लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। अभी तक का जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने पढ़ा है ना, उसका ये एप्लीकेशन है। तो मतलब लेक्चर जब स्टार्ट किया था तभी आपने चार्ज के बारे में पढ़ा था, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन पढ़ा था, उसके बाद आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने प्रॉपरली देखी है। तो जितना भी फिजिक्स आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड जो पढ़ा है भाई, उसका एक पूरा एप्लीकेशन आपको वैन डी ग्राफ जनरेटर में दिख जाता है। अभी वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाने के पीछे की वजह क्या थी? देखो, एक कोई तो एक डिवाइस है जो हमें यूज़ करना है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम अलग अलग टाइप के डिवाइसेस क्यों यूज़ करते हैं। एक थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा सो दैट आपको थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा और एक लेक्चर का फ्लो मैं भी सेट कर पाऊँगा। देखो, हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, है ना। तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो, आज तो आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो। स्मार्टफोन के ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा है? एक डिस्प्ले दिख रहा है ना, और उसके अंदर लाइक ICs यूज़ हो रहे हैं, और डिपेंडिंग ऑन दैट प्रोग्रामिंग वगैरह उसके अंदर की जाती है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है। पहले आप रेडियो के ऊपर कुछ सुन रहे थे तो रेडियो बनाया गया था, सेम चीज़ को विजुअल करना है तो टेलीविजन था। बहुत सारी डिवाइसेस होती है, तो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशंस डिवाइसेस को बनाया जाता है। तो अगर आप वैन डी ग्राफ जनरेटर ये अगर देखते हो तो ये वैन डी ग्राफ करके एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इन्वेंट किया है। और ये जो इन्वेंशन का ड्यूरेशन था, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1929-1930s में था। तो मतलब आज है 2020, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो लगभग 90 साल पहले का ये इन्वेंशन आप बोल सकते हो। अभी क्वेश्चन ये आता है कि 90 साल पहले ऐसा डिवाइस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? तो थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपको भी पता होगा, और उसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो मॉडर्न फिजिक्स जो था वो इवॉल्व हो रहा था वो ड्यूरेशन में, और वो टाइम पे बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस थे उनको पढ़ना ज़रूरी था। पहले क्या माना जाता था, आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ना, मतलब कोई भी अगर एक सब्सटेंस है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है, ऐसा बोला जाता था। फिर जे थॉमसन का मॉडल आया है ना, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। उसके बाद भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स आए, और वो सारी चीज़ों को अगर पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एटम है उसको ही ब्रेक करना पड़ेगा, या जो छोटी चीज़ें होती है उसको ब्रेक करना पड़ेगा, और इसके लिए बहुत हाई एनर्जी के पार्टिकल्स चाहिए। मान लो मेरे पास एक सब्सटेंस है यहाँ पे और मेरे पास बहुत छोटा पार्टिकल है, हम क्या करेंगे, ये जो छोटा पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, इसको वेरी हाई वेलोसिटी से इसके ऊपर कोलाइड करेंगे। तो जब ये कोलिजन होता है तो ये जो सब्सटेंस था, ये जो छोटा सा पार्ट था, ये टूट जाएगा। और जब ये टूट जाता है तो ब्रेक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज विजिबल हो जाती है, उसको स्टडी करना आसान होता है। तो ये सबसे बड़ी चीज थी। अभी आप क्वेश्चन पूछेंगे कि वैन डी ग्राफ जनरेटर ये आज तक का बेस्ट है? नहीं, उसके बाद भी बहुत सारे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स आए। एक एग्जांपल बताना चाहूंगा जो आप आगे जाके पढ़ने वाले हो, दैट इज अ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन में क्या होता है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें एसी करंट लगता है आपको, अल्टरनेटिंग है ना, और उसके साथ आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए, तभी जाके आप पार्टिकल को बहुत फा एक्सेलरेट करवाते हैं और एक टारगेट के ऊपर वो हिट होता है, और टारगेट के ऊपर हिट होने की वजह से वो टारगेट में से जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है वो आप पढ़ सकते हो। तो ये एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है। एनीवेज, तो ये हो गए एक वैन डी ग्राफ जनरेटर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। सो वैन डी ग्राफ जनरेटर ये क्यों बनाया गया था? इट वॉज बिल्ड टू जनरेट अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, मिलियंस ऑफ वोल्ट, या फिर आप 10^6 वोल्ट, इतना वो आराम से जनरेट कर सकता है। और ये क्यों करते हैं? ये एक्सेलरेट करना होता है आपको चार्ज पार्टिकल्स को, इसके लिए वैन डी ग्राफ जनरेटर बनाया गया था। तो अभी हमने क्या देखा, एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो एक ऐसा वैन डी ग्राफ जनरेटर आपके पास है, ठीक है, उसको जाके आप टच करो, तो जैसे आप उसको जाके टच करते हो ना, तो क्या होगा, आपके बाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ चार्जेस है, आपके बालों में कुछ चार्जेस है ना, तो रिपेल होने की वजह से सेंटर शॉक, पता है वो सेंटर शॉक का पहले ऐड आता था, जिसमें मतलब जो भी पर्सन सेंटर शॉक खा रहा है उसके बाल ऐसे बड़े है ना, ऐसे पॉइंटेड हो जाते थे, स्पाइक्स काइंड ऑफ, है ना, पुराने जो बच्चे हैं या फिर बहुत सारे लोगों ने तो वो स्पाइक वाला हेयर स्टाइल भी किया होगा, मैंने भी किया था मेरे टाइम पे। एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द मेन पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप वो वैन डी ग्राफ जनरेटर को टच करते हो तो आपको बालों में ऐसा कुछ चेंजेस दिखाई देते, वो खड़े हो जाते हैं ना। तो ये एक बेसिक जो चीज़ है।